छातापुर प्रखंड मुख्यालय पर राजद मत्स्यजीवी महिला प्रकोष्ठ द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। सुपौल के छातापुर थाना के जीवतपुर पंचायत के राजद महिला मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के दर्जनों महिला कार्यकर्ता सब प्रखंड कार्यालय में जन समस्या के लोग प्रदर्शन कयलनि। प्रदर्शन के नेतृत्व राजद मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मुखिया कयलनि। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मुखिया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वीडियो के ज्ञापन सौंपलनि। मुखिया अरुण कुमार कहलनि जे केंद्र और बिहार सरकार द्वारा जनहित के लेल भेजल जा रहल योजना के लाभ गरीब मजदूर के नहीं भेट रहल अछि। किछु व्यक्ति गरीबक योजना के हकमारी कऽ रहल छथि और यह कारण अछि जे अखन तक समाज दलित पीड़ित और शोषित गिनल जाइत अछि। और हम सबको जो है इंदिरा आवास तो अभी तक नहीं मिला है। शौचालय बनाए हैं तो बोले थे पैसा मिलेगा, खाता में आएगा, अभी तक खाता में पैसा भी नहीं दिए हैं। और हम सबको इतना राशन कार्ड में कुछ भी नहीं देता है, हम सबको कुछ भी नहीं है, अभी तक नहीं राशन कार्ड है, नहीं कूपन है, नहीं इंदिरा आवास, कुछ भी नहीं मिलता है। घर में माँ बाप जो है बूढ़ा है, लेकिन बूढ़ा पेंशन कुछ भी नहीं मिलता। कौन पंचायत से है? आपका नाम? छातापुर प्रखंड के जीवतपुर पंचायत में जो है ये लोग को जो है वर्षों से जो है ये बिहार सरकार जो है इन लोग को भूमि से वंचित किए हुआ है, इंदिरा आवास से वंचित किए हुआ है। और ये शौचालय का जो बड़ा बड़ा सा ये बैनर और पोस्टर जो लगा के सरकार जो लोगों को मूर्ख का काम करवा रही है, यही बड़े बड़े बिल्डिंग में जो है बड़े बड़े जो है शौचालय मुक्त अभियान चला रहे हैं। तो इन लोग से पूछा जाए कि अभी तक जो है इस गरीब गुरबा जो मतलब अत्यंत पिछड़ी जाति है, इसमें हरिजन भी है और महादलित भी है, इन लोगों को एक भी योजना जो सरकार का जो गरीब गुरबा का चला हुआ है, ये बिहार सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या इनके मुखिया है या सरपंच है जो वगैरह वगैरह जो भी प्रतिनिधि है पंचायत स्तर से, इन लोग के साथ हकमारी का काम किया है, वर्षों से कर रहा है। और ये लोग जो है आवेश में आकर जो है ये जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के बैनर तले ये लोग आंदोलन करने के लिए आया है। और ये सब जो है आवेदन जो है हम जिलाध्यक्ष मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ अरुण कुमार मुखिया को इलोन सौंपा है कि आप जो है वीडियो साहब से बात कीजिए और ये आवेदन को दीजिए कि हम लोग का जो है हक मिलना चाहिए। चापाकल से पानी नहीं निकले के कारण रोसड़ा हथौड़ी पथ के आक्रोशित लोग सब घंटों जाम।